अब देखिए, इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल लॉजिक है। इस पूरे का आपसे डिटरमिनेंट पूछा है, ये पूरा एक डिटरमिनेंट निकालना है। अगर आप देखें तो 1 की पावर 2014 कॉमन ले सकते हैं डिटरमिनेंट में, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ऑफ i, इसका भी डिटरमिनेंट ऐसा मान सकते हैं। अब एक चीज बताइए, a है क्या आपके पास, माइनस 4 माइनस 1 3 1 राइट। अगर मैं आपसे बोलूं इसी का केवल इसका डिटरमिनेंट पूछा होता, देखिए अगर मैं केवल इसका डिटरमिनेंट बोलता आपसे, तो आप बोलते माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। अब हमें क्योंकि ए स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर कितना होगा, थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये देखिए माइनस 4 माइनस 1 3 1 ओके, क्या होगा बोलो, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 16 माइनस 3 यानी 13। फिर इस कॉलम के लिए करिए 4 माइनस 1 इज 3 ओके, इसके लिए आइए तो ये हुआ बेटा माइनस 12 प्लस 3 तो कितना माइनस 9, और इसके लिए आइए बेटा माइनस 3 प्लस तो ये 2 हो गया। अब अगर मैं बोलूं इस, ये हो गया माइनस 2 सॉरी माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, मैं बोलूं इसको अगर इसका डिटरमिनेंट पूछा होता तो आप बताओ क्या आता, अगर पूछा होता तो माइनस 26 प्लस 27 यानी 1, यानी डिटरमिनेंट है माइनस 1 है, ए स्क्वायर 1 है, ए क्यूब ऐसा चलता जाएगा, तो ये पूरा की पूरा हो गया 1 क्योंकि इवन पावर है। अब बचा मेरे पास इतना सा क्वेश्चन जिसका मुझे डिटरमिनेंट बताना था राइट। तो अब ए स्क्वायर मिल चुका है, तो इसी ए स्क्वायर में आप क्या करिए, फटाफट करिए, ए स्क्वायर में 13 3 माइनस 9 माइनस 2 में माइनस 2a मतलब माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 8 माइनस 2 6 एंड 2 एंड इसमें माइनस ऑफ i मतलब 1001 कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, 13 माइनस माइनस प्लस 8 21 माइनस 1 यानी ये आपको यहां मिल गया 20। अब देखिए 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 5, वो तो 0 है, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, यस और नो, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15। अब इसको करो माइनस 2 कितना हो गया बेटा माइनस 4 राइट। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है, करिए तो कितना आ गया माइनस 80 और प्लस का 75। एक बार देख लीजिएगा जरा, इसमें ए स्क्वायर किया हमने 13 3 माइनस 9 2, 2 ए किया माइनस 8 माइनस का 2 था 2 बाहर ही, तो माइनस 8 माइनस 2 6 2 और माइनस का आई किया, यस ठीक है, ये एक मिनट चेक करिए, अच्छा ये माइनस 5 होगा बेटा माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 100 प्लस 75 दिस इक्वल टू माइनस का 25।